स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। दोपहर के 1 बज चुके हैं और वक्त हो गया है उत्तराखंड प्राइम का। शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही खबर के साथ, जहां जय हिंद जय भारत पार्टी ने कांग्रेस को समर्थन दे दिया है। यूपी में समर्थन के बाद उत्तराखंड में भी कांग्रेस को समर्थन दिया है। कांग्रेस मुख्यालय में हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस के लिए सहयोगी के रूप में काम करेगी जय हिंद जय भारत पार्टी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का बयान, सभी जिलों में एयर कनेक्टिविटी को लेकर कांग्रेस ने किया बेहतर काम। सरकार ने सस्ती दरों की सेवाओं को किया बंद। सरकार एयर कनेक्टिविटी को लेकर लोगों को भ्रमित कर रही है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस भी उत्तराखंड में पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है और लगातार अपना कुनबा बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और इसी सिलसिले में जय हिंद जय भारत पार्टी ने अब कांग्रेस को अपना समर्थन दे दिया है, जिसके बाद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस पूर्व सीएम हरीश रावत की तरफ से की गई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी तीखा हमला बीजेपी पर बोला, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर बोला और कई आरोप बीजेपी सरकार पर लगाए। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे पर हरीश रावत ने हमला बोला। पीएम मोदी ने सिर्फ कांग्रेस की योजनाओं की घोषणा की, ऑल वेदर रोड नाम की कोई परियोजना नहीं है। चारधाम यात्रा सुधार मार्ग के नाम से योजना कांग्रेस के समय से चल रही है, भाजपा सिर्फ श्रेय लेने के लिए ऐसा कर रही है। तो हरीश रावत जो पूरी तरीके से हमलावर हैं बीजेपी पर, एक बार फिर से उन्होंने हमला बोला है। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड का दौरा किया और कई सौगातें पीएम की तरफ से उत्तराखंड को मिली, जिसके बाद कांग्रेस ने अब हमला बोलना शुरू कर दिया है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने हमला बोला है और ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कांग्रेस की योजनाओं की ही घोषणा कर रही है और उन्हीं घोषणाओं को आगे बढ़ा रही है, उन्हीं योजनाओं को आगे बढ़ा रही है। अपना कुछ नहीं है बीजेपी के पास, कोई नई योजना बीजेपी लेकर नहीं आई है, ये पूर्व सीएम हरीश रावत की तरफ से कहा गया है। तो हरीश रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर निशाना साधा है, हमला बोला है। अगली खबर देहरादून से, जहां यशपाल आर्य और संजीव आर्य पर हमले के मामले में अब प्रदेश की जो सियासत है वो पूरी तरीके से गर्माती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बयान दिया है कि मैंने राज्य के डीजीपी और मुख्य सचिव को मामले से अवगत कराया है, यशपाल आर्य और संजीव आर्य को सुरक्षा प्रदान की जाए। हरीश रावत ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के बयान की निंदा की। मदन कौशिक का जैसी करनी वैसी भरनी का बयान निंदनीय है, ये हरीश रावत ने कहा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक अपने बयान को वापस ले, पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा है। आपको बता दें कि बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य के काफिले पर हमला हुआ था, उनकी गाड़ी पर हमला हुआ था बाजपुर में, जिसके बाद उत्तराखंड की सियासत में भूचाल आ गया। एक तरफ जहां मदन कौशिक के बयान ने इस सियासत को और भी ज्यादा गर्म कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ हरीश रावत कह रहे हैं कि डीजीपी से, प्रदेश के डीजीपी से उन्होंने बात की है, मुख्य सचिव से उन्होंने बात की है और यशपाल आर्य को सुरक्षा देने की मांग की गई है। यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य को सुरक्षा देने की मांग की गई है। इसके साथ ही साथ हरीश रावत ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर भी निशाना साधा है और कहा है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का जो बयान है वो बेहद निंदनीय है। और सीधा हम देहरादून का रुख करेंगे, मेरे सहयोगी रवि कैंतुरा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, देखिए यशपाल आर्य की गाड़ी पर उनके बेटे पर हमला होता है, जिसके बाद प्रदेश की सियासत में एक उबाल आ जाता है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होते हैं। फिलहाल क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल प्राची, देखिए जो बाजपुर की घटना है लगातार उसकी सियासत पूरे प्रदेश में हो गई है और कल हमने देखा कि किस तरीके से पूर्व सीएम हरीश रावत हों, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव या प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल हों, उन्होंने सीएम आवास का घेराव करना चाहा, हालांकि पुलिस ने पहले ही रोका और पूरी तरीके से जो सियासत है वो गर्म हो चुकी है। वहीं जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन कौशिक ने एक अपने बयान में कहा कि जैसी जिसकी करनी वैसी ही भरनी, तो इसी को लेकर अब सियासत और भी ज़्यादा तेज़ हो गई है और पूर्व सीएम हरीश रावत ने मदन कौशिक को घेरते हुए कहा है कि उन्हें अपना ये बयान वापस लेना चाहिए, ये निंदनीय बयान है। साथ
ही साथ उन्होंने डीजीपी से भी बातचीत इस मसले पे की है और उन्होंने कहा है कि यशपाल आर्य और संजीव आर्य को सिक्योरिटी प्रदान की जानी चाहिए, उनकी जान को खतरा है। इसके साथ ही जब कल हरीश रावत यहाँ पर देहरादून पहुंचे थे तो उन्होंने जिन लोगों पर हमला हुआ था, जिन पर लाठियां चली थी, उनको लेकर वो आए थे और उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि अगर उस वक्त यशपाल आर्य उनके बेटे के समर्थक उनके साथ नहीं होते तो ये हमला उन पर हो सकता था, जो कि जानलेवा हमला था। तो सीधे तौर पर जो सियासत है वो लगातार चल रही है। अभी की अगर बात करें तो पूर्व सीएम हरीश रावत ने यहाँ पर संयुक्त रूप से एक प्रेस वार्ता भी की है। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जय हिंद जय भारत जो पार्टी है उसका समर्थन अब उत्तराखंड में भी कांग्रेस को मिल गया है। इसमें तकरीबन अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो 6 से 7% जो वोट बैंक है वो हम कह सकते हैं कि जो बैकवर्ड क्लास है उनका वोट बैंक यहाँ पर उत्तराखंड में है, जो खासतौर पर हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून जिले के भीतर आते हैं। तो इससे सीधे तौर पर जो सहायक पार्टी के रूप में जय हिंद जय भारत पार्टी कांग्रेस के साथ काम करेगी तो उसका सहयोग मिलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो करीब 18% वोट जय हिंद जय भारत पार्टी का वहाँ पर माना जाता है, यहाँ पर 6 से 7% है। उनको भी ज्वाइनिंग जो है हरीश रावत ने यहाँ पर कराई है, उनका स्वागत किया है पार्टी में। कुल मिलाकर अब चुनाव बेहद करीब हैं, ऐसे में लगातार आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी जारी है। इस बीच जो बाजपुर की घटना जिसका आपने जिक्र किया वो भी हुई, तो उस पर सियासत क्यों ना हो ऐसा भी संभव नहीं है। तो ऐसे लगातार जो है तमाम चीज़ें हैं। इसके अलावा हरीश रावत ने जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है ऑल वेदर रोड या फिर कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेलवे लाइन हो, लेकिन हरीश रावत का ये आरोप है कि जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन थी इसकी शुरुआत जो है कांग्रेस ने की थी, हालांकि इसका जो काम शुरू है वो भाजपा की सरकार के बाद ही हुआ। ऑल वेदर रोड को भी हरीश रावत ने भाजपा के घेरते हुए कहा है कि ऑल वेदर रोड से पहले ही कांग्रेस ने इसकी पूरी रूपरेखा तैयार की थी और इसका नाम बदलकर बीजेपी इसका श्रेय लेना चाहती है। तो तमाम ऐसी चीज़ें, लगातार आरोप और प्रत्यारोपों का दौर जारी है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तराखंड में देहरादून में एक दौरा कर चुके हैं, अब राहुल गांधी का भी देहरादून में एक दौरा होना है जिसकी तैयारियां चल रही हैं। तो कुल मिलाकर अब जो चुनाव की सरगर्मियां वो बहुत तेज़ उत्तराखंड में हो चुकी हैं और ऐसे में हर एक मुद्दे पर जो है पूरी सियासत है। इसके साथ एक बड़ा ऐलान हरीश रावत अभी कर गए, उन्होंने कहा है कि गैरसैंण में शीतकालीन जो सत्र होना था वो सत्र जो है नहीं कराया गया है। तो ऐसे में अब वो 9 तारीख को जहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी होंगे, हरीश रावत होंगे, उपवास वहाँ पर एक दिन का रखेंगे। तो पूरी तरीके से सरकार को घेरने की रणनीति कांग्रेस ने तैयार की हुई है, लेकिन वहीं भाजपा भी ये चाहती है कि जो उन्होंने इन सालों में काम किया है उस काम के ब्याह पर एक बार फिर से उनकी सत्ता वापसी हो, और वहीं इन 4 सालों में 4.5 सालों में जो कांग्रेस भाजपा है रवि, यही वजह है कि हर एक मुद्दे को अब राजनीति में उछाला जा रहा है और एक दूसरे पर छींटाकशी की जा रही है, चाहे कांग्रेस हो चाहे जनता पार्टी को। शुक्रिया आपका रवि, तमाम जानकारी के लिए। देहरादून से अगली बड़ी खबर है, गैरसैंण को लेकर कांग्रेस अब उपवास करेगी। 9 दिसंबर को कांग्रेस का ये उपवास होना है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता गैरसैंण में एक दिन का उपवास करेंगे। गैरसैंण में सत्र आयोजित न करने पर सरकार को घेरने की तैयारी है। तो देखिए, गैरसैंण हमेशा से उत्तराखंड की राजनीति में एक मुद्दा रहा है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को खत्म करने की कोशिश की और गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया, लेकिन इस मुद्दे को अभी कांग्रेस अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस लगातार यह आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाती है कि सिर्फ खानापूर्ति की है बीजेपी ने, गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाकर कोई विकास नहीं किया है, वहां पर सत्र का आयोजन नहीं किया है, और इन्हीं तमाम मुद्दों को आधार बनाकर अब कांग्रेस जो है सियासत में आगे बढ़ना चाहती है और अब एक दिन का उपवास किया जाएगा गैरसैंण को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बाद अब भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों पर विजय संकल्प रैली निकाली है और इसकी तैयारी भाजपा ने तेज कर दी है। रैली की जो शुरुआत है वो देहरादून के प्रदेश कार्यालय से की जाएगी, जहां पार्टी के सभी पदाधिकारी और पुष्कर सिंह यानी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस रैली की शुरुआत करेंगे। रैली को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि चुनावों के मद्देनजर भाजपा तैयारियों को अंतिम रूप दे रही है, जिसके तहत कई तरह के कार्यक्रम उत्तराखंड में आयोजित किए जाएंगे, जिसमें विजय संकल्प रैली उत्तराखंड की सभी विधानसभा सीटों पर आयोजित होगी। इसके लिए जिला स्तर और प्रदेश स्तर के सभी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई जाएगी, साथ ही पार्टी स्तर पर और भी कार्यक्रम होंगे जिनकी जल्द घोषणा की जाएगी। कोरोना को लेकर सरकार एकदम 2-3 मीटिंग मुख्यमंत्री जी ने की है, नीचे स्तर तक एक पूरी संवेदनशीलता के साथ, पूरी गंभीरता के साथ उस पर काम हो रहा है और मैं समझता हूँ कि इसमें कहीं किसी प्रकार का अधिकारियों को भी कहा गया है कोई ढिलाई नहीं करनी है और कोरोना को उत्तराखंड राज्य में जैसे पहले भी हम लोगों ने कंट्रोल किया अच्छे से कंट्रोल हो, सरकार ने इस प्रकार के निर्देश दिए। देहरादून से अगली बड़ी खबर, जहां कांग्रेस में सांगठनिक फेरबदल की तैयारी की जा रही है, ये बड़ी जानकारी। चुनावों से पहले कांग्रेस संगठन में
बदलाव किया जा सकता है। जिला, महानगर और फ्रंटल संगठनों के अध्यक्ष बदलने की तैयारी कांग्रेस में हो रही है। जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल इस पर फैसला लेंगे। संगठन को मजबूत करने के लिए फैसला लिया जा सकता है। तो कांग्रेस हर एक रणनीति अपना रही है ताकि एक बार फिर से उत्तराखंड की सत्ता में काबिज हो जाए, और इसके लिए जो भी परिवर्तन जरूरी है उन परिवर्तन को करने से भी गुरेज नहीं कर रही है। अब संगठन में अगर परिवर्तन की जरूरत महसूस हो रही है तो संगठन में परिवर्तन भी किया जा सकता है। जानकारी ये मिल रही है कि कांग्रेस अब संगठन में फेरबदल करने की तैयारी में है। चुनाव से पहले कांग्रेस में बदलाव किया जा सकता है, संगठन में बदलाव किया जा सकता है। और आज राजधानी देहरादून में होमगार्ड्स एवं नागरिक स्थापना दिवस पर रैतिक परेड का आयोजन हुआ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रैतिक परेड में शिरकत की। इस दौरान सीएम ने परेड का निरीक्षण किया और परेड की सलामी भी ली। रैतिक परेड की दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर परेड के निरीक्षण की है, जबकि दूसरी तस्वीर सीएम धामी की परेड की सलामी लेने की। कार्यक्रम में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी और भाजपा विधायक उमेश शर्मा काऊ भी शामिल हुए। इस दौरान उत्तराखंड पुलिस के डीजीपी अशोक कुमार भी मौजूद थे। का लगातार विस्तार करने की ओर सोच रहे हैं। हमारा ध्यान आपको मिलने वाली ट्रेनिंग में और अधिक विस्तार देने पर भी है, और राज्य में होमगार्ड्स की जवानों की संख्या अभी 6,500 है। हम निश्चित रूप से इसको भविष्य में इसको बढ़ाने की ओर निश्चित रूप से कदम बढ़ाएंगे। साथ ही होमगार्ड निदेशालय में समूह गौ के पदों पर होमगार्ड्स को 25% का आरक्षण भी तय किया जा चुका है। हमारी सरकार लगातार आपके सशक्तिकरण पर ध्यान दे रही है। फोर्स का सर्वांगीण विकास हमारी सरकार की योजनाओं का एक अहम हिस्सा है, और हम पूरी गंभीरता के साथ इस ओर कार्य भी कर रहे हैं। आज की रैतिक परेड की सुसज्जित वेशभूषा और ड्रिल को देखकर मैं स्वयं को बहुत ही मंत्रमुग्ध महसूस कर रहा हूं। आज की इस रैतिक परेड ने मुझे मेरे बीते दिनों की याद दिला दी, जब मैं भी एनसीसी कैडेट्स के रूप में आप लोगों की तरह ही गर्व के साथ सीना फुलाकर कदमताल करता था। इस वर्ष और पिछले वर्ष लगातार कोविड महामारी में आप सभी लोगों ने अपनी जान पर खेलते हुए लगातार लोगों को एक सेवा का कार्य किया है, लोगों की जान बचाने का काम किया है। हमेशा बढ़ चढ़ कर आपने सेवा भाव से काम किया है, इसलिए इस ड्यूटी में जो भी तैनात थे उनको मैं 6,000 रुपए का अलग से मानदेय देने की भी घोषणा करता हूँ। आज सचिवालय में सीएम अहम बैठक करने जा रहे हैं। शाम 5 बजे ये जो बैठक है वो होने जा रही है। आपको बता दें कि कैबिनेट बैठक का आयोजन शाम 5 बजे आज सचिवालय में होगा। कई अहम प्रस्तावों पर आज मुहर लग सकती है। रोजगार, पर्यटन समेत कई महत्वपूर्ण घोषणाएं आज हो सकती है। तो कैबिनेट बैठक आज होने वाली है, शाम 5 बजे सचिवालय में होगी। अध्यक्षता करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। उधर देहरादून से ही अगली खबर है, जहां 9 दिसंबर को विधानसभा कूच करेंगे राज्य आंदोलनकारी। 10% क्षैतिक आरक्षण का जो शासनादेश है उसे लागू करने की मांग कर रहे हैं। चिन्हीकरण के शासनादेश के बावजूद प्रगति ना होने से नाराज हैं राज्य आंदोलनकारी। पुराना भू कानून रद्द कर सख्त कानून लाने की मांग कर रहे हैं। 9 और 10 दिसंबर को देहरादून में विधानसभा सत्र होगा। तो आपको बता दें, राज्य आंदोलनकारी अपनी मांग को लेकर अब अपने आंदोलन को और भी तेज करेंगे। पुराना भू कानून रद्द कर सख्त कानून लाने की मांग राज्य आंदोलनकारी लगातार उठा रहे हैं। 9 और 10 दिसंबर को देहरादून में विधानसभा सत्र होना है और 9 दिसंबर को कूच करेंगे। उधर देहरादून में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल ने सीएम पुष्कर सिंह धामी पर निशाना साधा। इस दौरान कर्नल अजय कोठियाल ने भाजपा सरकार पर कोई काम नहीं करने का आरोप भी लगा दिया। उत्तराखंड से अब अगली खबर यह है कि मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई है। मौसम विभाग ने ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बारिश का अलर्ट जारी किया था।
जिसके बाद आज सुबह से ही धारचूला, रुद्रप्रयाग, जोशीमठ, चमोली और उत्तरकाशी में बर्फबारी और बारिश देखने को मिल रही है। पहाड़ पर बारिश और बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। लोग घरों में क्या धोने को मजबूर हो गए हैं। हालांकि बर्फ पड़ने से पहाड़ की चोटियां बेहद खूबसूरत दिखाई दे रही हैं। रुद्रप्रयाग और केदारनाथ धाम में बर्फबारी जारी है, तो वहीं जोशीमठ में बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब में भी खूब बर्फबारी हो रही है। इसके अलावा चमोली और उत्तरकाशी में भी ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। धारचूला के दारमा और ब्यास घाटी के उच्च हिमालयी क्षेत्र में बर्फबारी जारी है, जिससे तापमान में अब गिरावट दर्ज की गई है, यानी अब ठंड का जो एहसास है वो होने लगा है। उच्च हिमालयी क्षेत्र पंचाचुली, दुगतू, नाबी, ढांग और लिपु लेक में देर रात से बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते निचले इलाकों में ठंड पड़ गई है। और रुद्रप्रयाग जिले में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है, जिसके चलते जनजीवन प्रभावित हो गया है। बारिश और बर्फबारी से ठंड काफी बढ़ गई है, जिससे लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। शहरी इलाकों से लेकर ग्रामीण इलाकों के बाजारों में सन्नाटा पसर गया है। स्कूल जाने वाले बच्चों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं केदारनाथ धाम में भी फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है, जिससे पुनर्निर्माण कार्य प्रभावित हो गया। सुबह से यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है। दो दिन पहले मौसम खराब हुआ था, कल धूप खिली थी, परंतु आज अचानक ही मौसम खराब होने के कारण लगातार बारिश हो रही है। और जो ग्रामीण क्षेत्रों से हमारे ग्राहक आते हैं, जो लोग आते हैं शहरों में, जो आते हैं वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है। और हमने नगर पालिका वालों से यह मांग कर रहे हैं कि बाज़ार में अलावा जलाया जाए, जो मवेशी हैं, जो गरीब लोग हैं, जो बाजारों में घूमते हैं, उनकी व्यवस्था की जाए नगर पालिका। उधर जोशीमठ में भी मौसम का मिजाज बदलते ही बद्रीनाथ धाम, औली, हेमकुंड साहिब में जो तापमान है उसमें गिरावट आई है। फूलों की घाटी में, गोरसी समेत ऊंचाई वाले इलाकों में भी जमकर बर्फबारी हुई है। इसके साथ ही नंदा देवी, नीलकंठ, कामेट माड़ा और हाथी गोड़ी समेत दर्जनों चोटियां बर्फ से ढक गई हैं। बद्रीनाथ धाम में 3 इंच तक बर्फ की मोटी चादर बिछ चुकी है, साथ ही क्षेत्र में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तो उत्तराखंड में मौसम विभाग की भविष्यवाणी बिल्कुल सच साबित हुई है। चमोली में भी बर्फबारी हुई है। जिले के दीवाल ब्लॉक के ब्रह्मताल ट्रैक पर बर्फ पड़ चुकी है, जिसका पर्यटकों ने जमकर लुत्फ उठाया है। आपको बता दें कि रूपकुंड ब्रह्मताल ट्रैक पर देश विदेश से पर्यटक पहुंचते हैं। उत्तरकाशी के हर्षिल घाटी में बर्फबारी की सुंदर तस्वीर सामने आई है, आपको हम दिखाते हैं। जिले की ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ पड़ रही है। रविवार को गंगोत्री धाम में बर्फबारी। उत्तराखंड में एरोमेटिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए हिमालयन माइनर एसेंशियल ऑयल कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। कॉन्क्लेव का शुभारंभ कृषि मंत्री सुबोध उनियाल और उद्योग मंत्री गणेश जोशी ने किया। आपको बता दें कि उत्तराखंड में एरोमेटिक फार्मिंग के जरिए किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य रखा गया है। उधर पौड़ी में पर्यटन विभाग की तरफ से इन दिनों जिले के 25 युवाओं और 3 छात्रों को रिवर राफ्टिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे युवा एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स में अपना भविष्य तराश सकें। वहीं युवा भी बड़े ही जोश के साथ इस प्रशिक्षण की बारीकियों को सीख रहे हैं और इस प्रशिक्षण से खासे उत्साह। So, let's go forward.